हेलो माय लवली बेकर्स, वेलकम टू स्पंदन्स केक वर्ल्ड। फ्रेंड्स, ये जो केक आप लोग आज देख रहे हैं, ये पाइनएप्पल फ्लेवर की केक है। ये ज़रूर पाइनएप्पल फ्लेवर में है, लेकिन डिजाइन बहुत अलग है। आप लोग बने रहिए मेरी वीडियो में एंड तक, और आगे देखिए मैं कैसे शानदार डिजाइन बनाई हूँ ये केक को लेकर। ये फिर मैं थोड़ी सी जो 2 स्पून ले ली हूँ न्यूट्रल जेल में 1 स्पून पानी डालकर, और 2 ड्रॉप जो लिप जेल कलर है, ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन कलर, वो मिलाकर अच्छे से इसको मिला रही हूँ। फिर ये जो फोक है, फोक लेकर मैं डिजाइन बना रही हूँ। क्या ये ट्रिक काम आएगी या नहीं, आप लोग देखिए कैसी शानदार डिजाइन बनी है ये फोक से। क्या है कि फ्रेंड्स, कस्टमर बाहर बैठे हैं, मैं इतनी जल्दी में एक एक बनाई हूँ कि वो बोले मैं वेट करती हूँ, आप बनाइए फिर मैं लेकर जाऊँगी। तो बहुत जल्दी हड़बड़ी से मैं ये केक बनाई हूँ, इसीलिए ये केक की जो क्रम कोट की थी ये मैं वीडियो नहीं बना पाई। और जैसे हमेशा की तरह मैं जो 400 ग्राम प्रीमिक्स लेकर 1 किलो केक के लिए पानी डाल के अच्छे से प्रीमिक्स में 1 स्पून ऑयल देकर अच्छे से मिला के बेक की थी। फिर पाइनएप्पल क्रॉस देकर और शुगर सिरप से सोक करके, जैसे मैं हमेशा केक की आइसिंग करती हूँ वैसे ही मैं ये केक की आइसिंग की थी। फिर वो जो न्यूट्रल जेल में ली थी कलर डाल के, उसको पाइपिंग बैग में भर के छोटी कट करके उसको केक के ऊपर स्प्रेड कर रही हूँ। फिर वो साइड में ड्रिपिंग भी दी हूँ। फ्रेंड्स, वो जो कस्टमर बाहर बैठे हैं, मैं उनको नहीं जानती हूँ, वो मेरी केक की तारीफ सुनकर बहुत दूर से आए हैं ये केक लेने के लिए, इसीलिए वो वेट करके मेरे से ये केक लेकर जाएंगे। ये N1 नोजल लेकर पाइपिंग बैग में देकर उसमें थोड़ी सी कलर ऐड करके अच्छे से मिला दी। फिर उसमें क्रीम भरकर रखी हुई हूँ। फिर वो जो फोक ली हूँ, सोची कि ये ट्रिक काम आएगी या नहीं, क्योंकि जो न्यूट्रल जेल में स्प्रेड की हूँ उसके ऊपर कोई डिजाइन नहीं रहेगी, इसको अगर नहीं थोड़ी सी हटानी पड़ेगी, इसीलिए मैं ये फोक की मदद से थोड़ी सी जो लाइन दे दी। फिर ये शानदार डिजाइन बन गई, देखिए रोजेट अच्छे से N1 नोजल से मैं बना रही हूँ। फ्रेंड्स, जब भी आप वो जो न्यूट्रल जेल डाल के कुछ भी डिजाइन बनाओगे तो थोड़ी सी हटाना पड़ेगा वो न्यूट्रल जेल को, नहीं तो वो गिर जाएगी वो जो डिजाइन, कोई भी डिजाइन गिर जाएगी क्रीम के जो न्यूट्रल जेल के ऊपर नहीं रहेगी, इसीलिए मैं वो फोक में थोड़ी सी जो लाइन खींच ली थी। फिर वही N1 नोजल लेकर वो जो केक की बेस है, बेस की बॉर्डर में कवर कर रही हूँ स्टार देकर। फ्रेंड्स, आप लोग अगर मेरे चैनल में नए हैं, मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए। और कैसा लग रहा है मेरी वीडियो, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा। आप लोगों की सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। फिर ये मैं जो ग्रीन वाली स्प्रिंकल है वो रोजेट के ऊपर और केक के ऊपर देकर अच्छे से सजा दी। और वो जो सिल्वर डस्ट है, मैं हमेशा यूज करती हूँ सिल्वर डस्ट को, मैं थोड़ी सी रोजेट और केक के ऊपर शाइनिंग के लिए स्प्रे कर दी। फिर वो ये जो स्टिक मैं लगा रही हूँ, ये पिस्ता फ्लेवर की स्टिक है, चोको स्टिक। इसका बहुत सी फ्लेवर आता है, मार्केट में अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। 2 स्टिक देकर फिर एक स्टार देकर उसमें एक चेरी लगाकर उसके ऊपर जो छोटी वाली स्प्रिंकल्स है सिल्वर कलर की, वो थोड़ी सी दे दी। फिर बन गई मेरी पाइनएप्पल केक की शानदार डिजाइन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।